आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक? मैं वही कहना चाहता हूं योर ऑनर जो अभी अभी मैंने कहा कि किम कपूर और मिस्टर विक्रम शेट्टी की हत्याएं जुड़ी हुई हैं। दोनों की हत्याएं बंद कमरे में हुई जहां उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। हमें पहले से ये बात पता थी कि आप हमसे ये बात जरूर कहेंगे ताकि हमारा ध्यान उधर लग जाए कि एक खूनी आजाद घूम रहा है और मिस्टर संतोष बेकसूर है। योर ऑनर, किम कपूर की हत्या महज इत्तेफाक है। किम कपूर और उनका एक्स हस्बैंड जयदीप सलूजा, उन दोनों के बीच में आपसी अनबन थी। प्रॉपर्टी को लेके बे इंतहा झगड़े हुआ करते थे। यहां तक कि जयदीप ने किम को मारने की धमकी भी दी थी। मेरी बारी है अवध रमाणी जी, आपको पूछने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? वो दो खंजर जयदीप ने मारे, क्यों नहीं? तो कैसे? क्योंकि उस समय किम अपने घर में अकेली थी, द्वार अंदर से बंद था, द्वार के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था जिसने किसी को अंदर आते हुए देखा। हो सकता है जयदीप सुरजा के पास घर की चाबी हो, खोल के पहले ही अंदर छुपा बैठा। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका यह अर्थ हुआ कि जयदीप अब भी घर के अंदर छिपा बैठा है क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा ने किसी को बाहर जाते भी नहीं देखा। हो सकता है वो खिड़की से बाहर गया 18वें मंजिल से। जयदीप स्पाइडरमैन है क्या? नहीं है, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो स्पाइडरमैन है या सुपरमैन है। बात यहाँ किम कपूर के केस की नहीं हो रही, यहाँ एक्यूज मिस्टर संतोष है उस पर जिरह हो रही है। मैं अपने पाठक साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट का वक्त जाया ना किया जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी यहां आने से पहले मैंने टेबल पर कुछ देखा है। ये क्या है? हाँ, ये अवध रमाणी जी, जैसे ही मुझे इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे कि संतोष बाथरूम में उस समय नहीं था जिस समय मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई, क्योंकि वो बाथरूम अंडर रेनोवेशन था और उस बाथरूम के द्वार पर ताला लगा हुआ था, राइट? ऐसे कुछ कहा था? बिल्कुल राइट, करेक्ट। योर ऑनर, मैं मिस्टर अमजद शेख को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अमजद जी, तीसरे मंजिल की उस बाथरूम की, उस शौचालय की एक चाबी वहाँ के सुरक्षा कर्मी के पास है, किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि उसकी एक समरूप चाबी, डुप्लीकेट की भी है, जो मिस्टर शेट्टी ने आपको दी थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास उसकी चाबी है, बट आई एम सो सॉरी, मैं शायद बताना भूल गया होगा। या, और आप संभवतः ये भी बताना भूल गए कि उस रात आपने भी उस शौचालय का प्रयोग किया था, जिसका ये अर्थ होता है कि वो शौचालय कार्यवाहिक स्थिति में है, राइट? जी जी, पर आपको कैसे पता कि मैंने उस शौचालय का प्रयोग किया था? सामान्य ज्ञान अमजद जी, 6 घंटे लगातार आप वहाँ थे, तो वो बाथरूम की चाबी आपके पास थी, आपका प्राइवेट बाथरूम, तो कुछ बातें होती हैं जो सुराग से नहीं दिमाग से पता चल जाती हैं। छोड़िए, ये बताइए कि क्या ये संभव नहीं कि वहाँ से प्रस्थान करते समय आपसे शौचालय का द्वार खुला छूट गया हो? इज इट नॉट पॉसिबल? नहीं, मैंने उसके बाद उस बाथरूम को लॉक कर दिया था, इसलिए वहां संतोष का जाना नामुमकिन है। Which is why, मुझे लगता है कि यह झूठ बोल रहा है। Unless what? Unless उस बाथरूम का दरवाजा प्रफुल्ल ने खोला होगा। क्योंकि उस रात प्रफुल्ल को मैंने अपने फ्लोर पे आते हुए देखा था। आपने प्रफुल्ल को वहाँ देखा था? हो सकता है उन्होंने मुझे 3rd फ्लोर पे तब देखा जब मैं अपने डैड के रेस्टोरेंट से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर रहा हूँ। तो सीढ़ियाँ ही क्यों, लिफ्ट से क्यों नहीं? मैं अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों?
फिटनेस रीजंस। फिटनेस रीजंस अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए आप ये परिश्रम करते हैं, तो क्या ये संभव नहीं कि इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हों और आपने सोचा हो कि क्यों ना जिम जाया जाए। जिम में घुसते ही आपने मिस्टर शेट्टी को वहाँ पाया और उनके पास जाकर आपने वो एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, योर ऑनर, अभी अभी यह खत वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर पाया गया है। इसके कंटेंट पढ़ना बेहद जरूरी है, अगर आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू। एशली का कहना कि संतोष में जरा भी हिंसा की भावना नहीं है, गलत है। 8 साल पहले एक कॉलेज क्रिकेट मैच में संतोष ने गुस्से में आकर लॉकर रूम में अपने कोच पर क्रिकेट स्टंप लेकर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल बीच में अगर नहीं पड़ते तो मामला बेहद पेचीदा हो सकता था। जो गुस्सा संतोष में तब था वो आज भी है, क्योंकि उसने मुझसे एक नहीं दो बार कहा कि वो मिस्टर शेट्टी को जान से मार देगा, और वही हुआ। मिस्टर शेट्टी को संतोष ने ही मारा है। साइंड बाय मिस्टर एक्स। एक्सक्यूज मी, साइंड बाय हु? मिस्टर एक्स। योर ऑनर, मिस्टर एक्स टाइप किया हुआ है हस्ताक्षर तक नहीं। इस प्रकार के पत्र कोई भी किसी को भी लिख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जापान में सुनामी आपके समुद्र में कूदने के कारण आया था, तो क्या अदालत इस बात को मान लेगी? अवत्रमाणी जी, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश ऐसे पत्र अदालत में बतौर साक्ष्य दाखिल नहीं किए जा सकते। एक मिनट मिस्टर पाठक, जस्ट वन मिनट। आप माने या ना माने, पहले मिस्टर संतोष को तो मनवा लें। इफ यू इंसिस्ट। हाँ तो मिस्टर संतोष, अभी अभी जो आपने सुना क्या वो सच है? ऐसी घटना हुई थी कि आपने स्टंप लेकर कोच पर वार किया था? देखिए सर, मैंने केडी साहब को प्रॉमिस किया था कि कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उस कोच पे हमला किया था, क्योंकि उसने मुझे थैंक यू, दैट्स इट। सर, उसने मेरी माँ को गाली दी थी। गाली दोगे तो तुम जान ले लोगे? मैंने किसी को नहीं मारा सर, बार बार बोल चुका हूं आपको। तो फिर किसने मारा मिस्टर शेट्टी? भूत ने मारा या उन्होंने आत्महत्या कर ली बार बेल अपने गले में दबा के? मुझे नहीं पता सर, इस लेटर का दूसरा हिस्सा गलत है। मैंने कभी उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं की और कोई बात नहीं करी। सर, जिसने लेटर लिखा ना, उसने शेट्टी साहब को मारा होगा, इसलिए वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच कहता हूं सर, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। समझ में नहीं आ रहा वरुण, वो कौन है जिसने संतोष के विरुद्ध ये पत्र लिखा? वो कौन है जो इतनी गहराई से उसे जानता है? भाई, जो उसे बहुत पहले से जानता हूं, कई सालों से। हाँ, उसका सहपाठी वो जिम ट्रेनर एशली, या फिर हीबा। ये गुमनाम लेटर पुलिस को एशले ने भिजवाया था सर। रियली? आई आई, ये बात आप इतने विश्वास से क्यों कह रही? क्योंकि संतोष की नौकरी जाने की वजह और कोई नहीं बल्कि एशले ही था। रियली? वो कैसे? उस दिन किम ने संतोष को लॉकर के पास बुलाया, एशले ने जैसे ही सब कुछ देखा जाके शेट्टी को कंप्लेंट कर दी। मिस्टर शेट्टी आए, लॉकर रूम के पास गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। एक बात नहीं समझा, संतोष और एशली में तो घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर दोस्त से बढ़कर भाई होता है सर। एशली अपने छोटे भाई रायन को इस जिम में नौकरी दिलवाना चाहता था। मिस्टर शेट्टी से इस बारे में उसने बात भी की। सर, मेरे छोटे भाई को जॉब की जरूरत है, अगर अपने जिम में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज सर। एशली, दरअसल मेरे पास कोई अभी जगह है नहीं, जैसे ही कोई काम छोड़कर जाता है मैं तुझे बताऊंगा, फटाक से बुला लेना। संतोष की नौकरी जाने के कारण वो स्थान खाली हो जाता है और एशली के भाई को नौकरी दिलाने का ये प्लान तो समझ में आता है, लेकिन
उसे इस केस में फंसा कर उसका उसका जीवन इस तरह ये नहीं समझ में आया, क्या स्वार्थ हो सकता है एसटी का इसमें? वो मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन इसमें आपका स्वार्थ हो सकता है हिबा जी। अब देखिए ना, शक की सुई एशली की तरफ घुमा दी तो आपके ऊपर से शक उठ जाता है, राइट? एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे दफ्तर तक ये जानकारी लेकर आए। बाकी पूछताछ अदालत में कर लेंगे। थैंक यू। क्या लगता है तुझे वरुण? सर वेरी कंफ्यूजिंग सर। पहचाना? अरे मैं वरुण, केडी पार्टी के असिस्टेंट। किधर जा रहा है? हाँ? अरे प्लीज मुझे सिनेमा हॉल थिएटर तक छोड़ देना यार, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। थैंक्स सर, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। चल चल। थैंक्स सर। ये फिल्म तुमने देखी? नहीं। चल सी यू, सी यू इन कोर्ट। यस सर। हाय सर, सर मैं उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर, थर्ड फ्लोर भी देख लूंगा। अमजद का सैलून। ओह माय गॉड, हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? डू इट फास्ट। अरे क्या कर रही हो, बाल अभी तक धो रही हो? अरे जल्दी जल्दी करो, ओह गॉड बाल, अरे काटो यार जल्दी। ओह माय गॉड, डू एवरीबॉडी मूव इट फास्ट। ओह माय गॉड, ये क्या मालिश कर रही हो अभी तक, जल्दी करो, डू इट फास्ट। ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा एवरीबॉडी। अगली बार यहाँ, समझा? जो बोला है वो कर, वरना मार। सर, एक और विटनेस की तैयारी करनी पड़ेगी कोर्ट में। किसने? तुरारिया सेठ। हाँ, मैंने हिटमैन दगड़ू को भेजा था अमजद को सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं, इसलिए तो उसने गोली नहीं चलाई ना। ठीक है, किस खुशी में आप धमका रहे थे अमजद को, क्या कारण था? मैंने आपको बताया था ना, इसने सेट्टी के साथ मिलकर मेरे बिल्डिंग में मेरे इजाजत के बिना बाल काटने की दुकान खोल दी है, सलून। हाँ वही, मैंने अमजद को कहा अब ये दुकान बंद कर, वैसे भी अब सेट्टी नहीं रहा, तो उसने मुझे सेट्टी का राग सुनाया और कहा अगर मुझे रोकोगे तो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर रागर अन्ना को मैं जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। एक मिनट समझने दीजिए, आपने अमजद की धमकी के उत्तर में दगड़ू की धमकी देकर लोहे को लोहे से काटने का प्रयास किया, am I right? तो शू करूँ, ये लोग यही जबान समझते हैं ना। बड़ी तकलीफ है इन लोगों की आज। जबान से याद आया कि आप ही के शूटर दगड़ू ने पुलिस पूछताछ के समय अपनी ही जबान से दो नाम लिए, एक तो वो जो अमजद जिसे आप धमकी के उत्तर में धमकाना चाहते थे, और एक वो जिसे आप धमकाना नहीं मारना चाहते थे, दगड़ू की जबान में मिस्टर विक्रम शेट्टी। am I right? नहीं नहीं, मैंने विक्रम शेट्टी के लिए सुपारी नहीं दी थी। देखिए चारोड़िया साहब, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो 4 लाख रुपए आपने दिए थे
वो दगड़ू के घर से पुलिस ने बरामद किए हैं। दगड़ू अपनी जबान में पुलिस को कह चुका है कि वो रुपए आपने दिए थे। अब आप मानेंगे या मनवाओ? नहीं, दगड़ू ने सेट्टी को नहीं मारा। रुपए आपने दिए थे? हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने सुपर दी थी सेट्टी को मारने के लिए, क्योंकि सेट्टी मुझे जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन मेरी सुपारी से पहले किसी ने सेट्टी को मार दिया। इस लड़की ने सेट्टी को मारा है। जी हाँ योआना, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि डगड़ू ने भी अपने बयानात में पुलिस को ये बयान दिए हैं कि उसने विक्रम सेट्टी को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन मिस्टर शेट्टी को मारने से पहले ही उसका मर्डर किसी और ने कर दिया। अब इंटेंट ऑफ मर्डर के लिए मिस्टर चरोड़िया हकदार हैं, सजा के पात्र हैं, लेकिन असली सजा का पात्र है मिस्टर संतोष सतोषकर। क्यों क्यों अवत्रमाणी जी, मैं जान सकता हूं क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से किसी और को लाभ हुआ होगा? Who else? I don't know. Let me think. Mr. Praful Parekh, do you think? पूछे उसे? मैं? मुझे भला मिस्टर शेट्टी की मौत से क्या फायदा? हाँ, good question. Question for a question. Prestige Towers के टॉप फ्लोर पर जो रेस्टोरेंट है वो आपके पिताश्री का है, करेक्ट? और आपके पिताश्री और मिस्टर चरोड़िया के बीच घनिष्ठ मित्रता है। जी तो? और इसी मित्रता का लाभ उठाकर आपने चारोड़िया साहब से वो तीसरे मंजिल पर सुपरफ्लेक्स जिम के नीचे जो मंजिल है वो मंजिल आपने लीज पर मांगी। यहां तक सारे प्रश्न उचित है मेरे, और अब आगे की कहानी। ये सब आपने केवल इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु के बाद उनका दुरानुभवी परिवार ज्यादा दिनों तक सुपरफ्लेक्स जिम चला नहीं पाएगा, और अगर आपने अपना जिम उसके नीचे वाली मंजिल पर खोल दिया तो एक एक करके सुपरफ्लेक्स के सारे मेंबर आपके पास आ जाएंगे, लाखों का लाभ होगा आपको। अब बताइए, मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से आपको लाभ हुआ या नहीं? ये डील तो मेरे और मिस्टर चौराड़िया के बीच हुई थी। आपको कैसे, किसने बताया? आप मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। एनीवे, तो आपने ये सब किया, आपने मिस्टर शेट्टी की हत्या की, उनकी अंगूठी चुराई, और अदालत में ये कहा कि वो अंगूठी आपने संतोष की जेब से गिरती हुई देखी, ये संतोष को फंसाने के लिए। नहीं, मैंने शेट्टी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी की अंगूठी चुराई। इनफैक्ट मैं तो उस रात जिम तक नहीं गया था। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, घबराइए मत मिस्टर प्रफुल्ल, केडी साहब हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर कभी कभी निशाने पर भी लग जाता है। ये लिफाफा है, लिफाफे में एक चिट्ठी, पहचानते हैं आप इसे? ये आपके पास? हाँ, ये मेरे पास। मैंने कहा ना, मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। मिस्टर एशली फर्नांडिस का बायोडेटा जो उन्होंने आपको भेजा था। वो इसलिए कि जब प्रफुल्ल सर ने मुझे बताया कि वो सुपरफ्लेक्स के नीचे नया जिम खोल रहे हैं, तो वहां पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एज अ चीफ ट्रेनर। उसके लिए उनसे मिला, अपना बायोडेटा दिया। इसमें गलत बात क्या है? ये इसमें कुछ गलत नहीं, हर व्यक्ति प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चलना चाहता है, इसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन गलती की तुमने, अपना बायोडेटा प्रिंट करवाने के लिए इस कागज का इस्तेमाल करके। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब को पिछली सुनवाई में जो गुप्त पत्र प्राप्त हुआ था मिस्टर एक्स द्वारा भेजा गया, वो पत्र और एशली का बायोडेटा एक ही कंपनी के बॉन्ड पेपर पर प्रिंट करवाया गया। जो हजारों लोगों के पास हो सकते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर केडी? अवत्रमाणी जी, बहुत शीघ्रता है आपको, आप सीनियर है इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं। ये कैसी बात कर रहे हैं, दलील देने का मुझे हक है। ऑल इन गुड टाइम मिस्टर अवत्रमाणी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि
इस कंपनी के बॉन्ड पेपर का प्रयोग लाखों लोग करते होंगे, किंतु इन दोनों कागजों का उपयोग केवल एश्ली फर्नांडिस ने किया है। इन दोनों कागजों का एक कोने से समान रूप से फटे हुए और दूसरे कोने पर स्याही के समान धब्बे होना इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों कागज एक ही थप्पी से लिए गए। तो दोनों कागजों का प्रयोग तुमने किया, ये मिस्टर एक्स तुम ही हो, किम कपूर और संतोष के विरुद्ध मिस्टर शेट्टी से कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले भी तुम ही हो। I'm tired of saying, am I right? Am I right? But yet I must ask, am I right? क्योंकि मैं गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी और की हो या मेरे फ्रेंड की। Ashley! जिस दिन संतोष को मिस्टर शेट्टी ने नौकरी से निकालने के लिए कहा था, उसी दिन से संतोष उनसे चिढ़ा हुआ था। और एक दिन तो उसने जिम में मुझसे ये भी कहा। समझता क्या यार साला? निकालना तो उस किम कपूर को निकाले, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो बात करना बॉस से। अरे करके देख लिया यार, कहता है कि मंथ एंड तक नौकरी छोड़ देना। अरे सारे गलत काम वो करे और सजा मुझे मिले। किस दिन मेरा माथा खटक गया ना सारे को। रिलैक्स संतोष यार। अरे क्या रिलैक्स रिलैक्स यार, अब तो कुछ करके दिखाऊंगा उसे। बहुत नाटक हो गया इसका। अब आप ही बताइए सर, इतना देखने के बाद, इतना सुनने के बाद मैं चुप कैसे रहता? लेकिन दोस्त से गद्दारी, इसीलिए मैंने वो बिना नाम वाला लेटर लिखा। तू झूठ बोल रहा है एश्ले, और तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मारा है ना शेट्टी साहब को? मैंने? अरे मैं तो उस रात को वहां था भी नहीं। मुझे नहीं पता कैसे मारा है, लेकिन मारा तो तूने ही। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए मिस्टर संतोष। मिस्टर केडी पाठक, आपकी इस गवाही के बाद केस की उलझने बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू एश्ली, देर आए पर दुरुस्त। देखो जैसा तुमने बोला था, मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये क्या? अब हटाओ से मेरे सामने से। देखो मैं अदालत में बोल दूंगा कि किम मैडम और मिस्टर शेट्टी का खून तुमने किया है। हटाओ से। मिस्टर किड्डी पाठक, एश्ली बोल रहा हूँ। सर संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है, मैं जानता हूँ उसे। ओह माय गॉड, एश्ली, एश्ली, जाओ ऊपर, जाकर वायरिंग चेक करो। I want it cooler. समझे कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा। वार्निंग मुझे चाहिए ही चाहिए। उसको ठीक करके दो। समझे? Oh my God, यहाँ से भाग रहा है। Oh God, ऐसे नहीं। इसको ऐसे लेके टर्न करते हैं। यहाँ से कट करते हैं। तुम? तो तू अब भी यहीं है, जबकि मेरी चोरड़िया से डील हुई है। तुझसे पहले मेरी भी डील हुई थी मिस्टर शेट्टी के साथ, समझा? शेट्टी मर चुका है और मैंने चोरड़िया को पैसे दिए। कॉलर छोड़ो, मैंने कहा कॉलर छोड़ो। ऐसे वायलेंस का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बट आई एम अ कल्चर्ड पर्सन, नॉट अ जंगली लाइक यू। सर सर सर, मैंने ऊपर से खून देगा सर। ओह माय गॉड, खून! ओह गॉड, लॉक्ड है, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
ना 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 बाबा ना, अंदर कोई डेंजरस हुआ तो पुलिस आएगी तभी तोड़ेगी। हाँ बंद कमरे में इसे मारा किसने? Oh my God, it's a very horrible. खून इस लोहे के पुतले से हुआ है। इस लोहे का पुतले को उठाकर मारा किसने? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एशली ने स्टोर रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। इसका अर्थ इंस्पेक्टर दवे ये होता है कि एशली अपने आप को किसी से बचाने का प्रयास कर रहा था, किसी हमलावर से। जी हाँ, लेकिन हमलावर ने कमरे के बाहर से कमरे के अंदर छिपे एशली पे वार कैसे किया? इंस्पेक्टर दवे, उस कमरे में कोई और गुप्त द्वार, कोई छिपने की जगह जहाँ संभवतः वो हमलावर पहले से छिपा हुआ? हाँ, उस कमरे का एक और दरवाजा था जो अंदर से लॉक, लेकिन केडी वहाँ अगर कोई छिपा होता तो मुझे ज़रूर मिलता। वहाँ बस एशले था और वो लोहे का पुतला जिससे ये खून हुआ है। योर ऑनर, मैं बताता हूँ ये मर्डर कैसे हुआ। किसी जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों के साथ उस पुतले में जान फूंकी, पुतला उड़ा और जाकर उसने एशली की हत्या कर दी। एशली की हत्या एक रहस्य जरूर है, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, किम कपूर और विक्रम शेट्टी को उसी ने मारा है जिसने एशली की जान ली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरने से पहले एशली ने मुझे फोन किया और कहा कि सर संतोष बेगुनाह है, किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। योना, इसका कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि संतोष छूट सके। योर ऑनर, मेरे सेलफोन पर एशली का कॉल दर्ज है। हाँ योना, हमने ये माना कि एशली ने मरने से पहले इन्हें फोन किया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने मरने से पहले क्या बात की। मिस्टर पाठक, आपके पास इसका और कोई सबूत है? दुर्भाग्यवश इस समय नहीं है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस केस की अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ साथ उस गुप्त हमलावर को भी अदालत में साक्षात्कार कर दूंगा। वो यही है यार, हमारे बीच। I can feel it, महसूस कर सकता हूं। महसूस? Your Honor, नोट किया जाए, ये महसूस कर सकते हैं। तो फिर साबित कीजिए, क्योंकि अब अदालत इस केस को और तूल नहीं दे सकती। संतोष के खिलाफ सबूतों की लिस्ट कम नहीं हुई है और बढ़ती ही जा रही है। योर ऑनर, डिफेंस समय की मांग करता है। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। स्प्रिंकलर शेट्टी की लाश के पास, कांटा किम की लाश के पास, सॉरी चाबी एशली की लाश के पास, क्या कनेक्शन हो सकता है तीनों में? एक ही कनेक्शन है मिस्टर केडी, कि इनका खूनी संतोष के साथ कोई कनेक्शन नहीं। क्या केडी अदालत में चुनौती ले ली? अदालत में कि अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ कातिल को पेश कर ले। ज्यादा नहीं बोल गए? जो बोल दिया सो बोल दिया सर। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कहीं इस भय से तो नहीं कि जो बोला है वो कर भी दूंगा?
खेड़ी, बहुत घमंड है तुम्हें अपने हुनर पर। यह मत भूलना, तुम्हारा हुनर मेरे अनुभव के सामने बहुत छोटा है। अरे दंसुक भाई, तेल की धार मुझे मत सिखाओ। 11 साल का था ना मैं, तब से ये तेल के धंधे में हूँ। मुझे मेरी क्वालिटी पे नाज है, कोई दूसरी को पकड़ लो, क्या ठीक करेगा। तुम क्या बात कर रहे हो, जिस रात को एसली का खून हुआ था उस रात में अहमदाबाद में था। अरे मेरे साले की फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन था ना। उसका कोई सबूत? अदालत में पूछोगे ना, बता दूंगा। अब आप यहाँ से जाइए, मेरा वक्त खोटी मत कीजिए। मेरी एक एक मिनट 1,00,000 रुपये की है, समझे? Shut up! मुझे मत सिखाओ एयर कंडीशन के बारे में, मैं इंजीनियर रह चुका हूँ। Yes, I want it cooler. Now we go. Yes. आप पूछ रहे थे कि that night? No. मैं तो उस रात संदीप सरोही के फैशन शो अटेंड कर रहा था। And in fact, मैं जब यहाँ सुबह में आया, तो मैंने ही एश्ली को बेडी को डिस्कवर किया। It was so horrible. उस रात, एश्ली की मौत वाली रात, मैं अपने कजन के बर्थडे पार्टी पर गई थी, उसके सेट पर। सेट? हाँ, वो एक सीरियल में काम करती है, मेन लीड। एक हॉरर सीरियल है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छे से याद है, एश्ली की मौत वाली रात मैं उसके साथ नहीं थी। ओके, थैंक्स। तुमने वो लेटर मेरी जेब से चुराया था। उस रात तुम कहाँ थे? झन्नू में। सबूत चाहिए ना, वहां जाकर पूछ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सर, 3 times। एक इंसान बंद कमरे में और एक हथियार से उसकी जान चली जाती है। पहले वो बाबल, फिर वो खंजर, और अब एश्ली के केस में वो स्टैचू। और तीनों ही सूरतों में कमरे में कोई नहीं। इनफैक्ट सर, एश्ली के केस में तो दरवाजा अंदर से लॉक था सर, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। फिर किसने हमला किया उस पर? उस पुतले ने, अपने आप खुद उड़कर। स्टैचू तो खुद उड़ नहीं सकता, स्पष्ट है कि वहां कोई था कमरे में या कमरे के बाहर या कहीं पर। सर कमरे के बाहर से कोई एश्ली पर हमला कैसे कर सकता है? यही तो मिस्ट्री है जो हमें सुलझानी है कि आखिरकार त्यारे ने हत्या की कैसे। मिल गया पर। मिल गया क्या? खूनी? नहीं, ये पेन। पेन? हाँ पेन, और हत्या का तरीका भी। लेट्स सी, आई वुड कॉल इट द मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन, अर्थात घृष्णा से पैदा हुआ स्थिर विद्युत का चुंबक प्रभाव। समझा? समझा तो। योर ऑनर, आज तो मिस्टर केडी बोलेंगे और हम सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया कि आज सबूतों के साथ मुजरिम को कटघरे में खड़ा करेंगे। जी योर ऑनर, किंतु अभी मेरे मन में शंका है कि अगर आप कहें तो हियरिंग पोस्टपोन करवा दें। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मिस्टर अवतरमाणी। योर ऑनर, यदि मिस्टर अमजद शेख मेरा साथ दें तो, क्योंकि अब वो एकमात्र साक्षी है जिनका कथन हमें असल हत्यारे तक पहुंचा सकता है। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? तो अमजद जी, आपने कभी अपने स्वास्थ्य पे काम किया है? फिटनेस, जिम ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इत्यादि? ये तो मैं पिछली बार साबित कर ही चुका हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उत्तर दीजिए। जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहूंगा अदालत में एक टेबल लाने की। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर।
आइए, अरे आइए आइए, घबराइए मत, आइए शीघ्र आइए शीघ्र। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि अमजद जी की भुजाओं को एक बार फिर से मैं आजमाऊं। इस 10 किलो के डंबल को एक बार उठाने का कष्ट करेंगे? कष्ट इज राइट, लुक्स वेरी हेवी। हाँ, नो, लेकिन क्या करें, अदालत में कार्यवाही चल रही है, ये कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। उठाइए उठाइए उठाइए, चलिए चलिए। जोर लगा कैप्टन जी, नहीं छोड़ छोड़ दीजिए, कुछ टूट फूट जाएगा। ठीक है चलिए, 5 किलो का उठाइए। क्या है, हटिए 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 हटिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये युवान? क्या है ये जज जी? आइए आइए, 3 किलो का उठाइए। मुझे अभी विश्वास हो गया है अवत्रमाणी जी आपकी बातों पर कि अमजद जी कभी जिम नहीं गए, व्यायाम नहीं किया, इन्होंने वेट ट्रेनिंग नहीं की, तो 3 किलो तो उठ ही जाए। आइए आइए अमजद जी, आइए आइए, डरिए मत, मर्द बनिए, उठाइए। उठाइए उठाइए, पिक इट अप। अमजद साहब, अमजद साहब, अमजद साहब, ओह गॉड, छोड़ दीजिए। 25 ग्राम है, उठाइए। वक्त जाया ना करें, उठाएं। पिक अप द फोर्क मिस्टर शेख, पिक इट अप। ये है क्या? कीले ठोके हुए हैं क्या? कीले इसमें नहीं ठोके हैं अवत्रमाणी जी, ये इस केस की ताबूत पर मेरी आखिरी कील होगी। समझाता हूं कैसे। अपनी जगह पर जाइए वरुण। Your Honor, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मुझे स्वयं इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था। इसमें इतनी शक्ति है कि ये इसे ऑन कर दिया जाए तो ये एक लोहे का कबर्ड भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, या फिर डंबल, कांटे, छुरी या लोहे का पुतला। यही है Your Honor, हत्या का शस्त्र। कुछ कुछ बात समझ में आई, आगे समझाता हूं। हाँ तो अमजद साहब, ये आप पहचाना इसे? नहीं तो, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं। हाँ, क्यों, मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप, पर ये मुझे लगता है आपकी स्मरण शक्ति कुछ धोखा दे रही है आपको। हेयर स्टाइलिस्ट बनने से पहले आपको स्मरण नहीं, आप IES कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और फाइनल ईयर का आपका जो
ये था प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही ने बनाया था और आपकी प्रोफेसर साहेबा प्रोफेसर मिसेस शास्त्री ने बयान दिया है योर ऑनर, कॉपी आपके टेबल पर है, कि ये इन्हीं का बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही के घर से तो मिला है। अब क्या कहेंगे आप, यही कहेंगे कि आप इसे नहीं पहचानते या इकबाल जुर्म करेंगे, क्या करना चाहिए? विक्रम शेट्टी, मिस्टर चोरडिया को राघव अन्ना की जो धमकी दे रहा था वो पूरी तरह से झूठी थी। विक्रम शेट्टी तो राघव अन्ना को जानता तक नहीं था, वो तो बस उसे ऐसे ही डराने के लिए। लेकिन मिस्टर चोरडिया की धमकी के बाद विक्रम खुद डर गया था और मुझे लगा कि उसके डर की वजह से कहीं मेरी दुकान छिन ना जाए। मिस्टर शेट्टी, तुम्हारे से जो मेरी डील हुई थी उसने तो तुमने कैंसिल कर दिया, मुझे पैसे वापस चाहिए। देखो फिलहाल मेरे पास पैसे उसे नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्या, मुझे पैसे वापस चाहिए? मैंने कहा ना जाओ, अभी जो करना तुमको करो। इसलिए मैंने विक्रम को मारने का सोचा, मुझे उसका पूरा रूटीन पता था। उस रात जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तब मैंने वहां संतोष को नीचे बाथरूम में आते देखा। मैंने सोचा कि इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने स्टूल पर चढ़कर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट थर्ड फ्लोर की सीलिंग से लगाया डायरेक्ट बेंच प्रेस मशीन के नीचे और वेट की आवाज का इंतजार करने लगा। सही समय का अंदाजा लगाकर मैंने उसे ऑन कर दिया और मैग्नेट के इंटेंस पुल और ग्रेविटी के दुगने असर से ओवरी बीट पूरे जोर से नीचे की ओर अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वह मिस्टर शेट्टी और किम को आपने कैसे मारा, इसका खुलासा तो मैं अदालत में कर ही चुका हूं। आप बताइए कि क्यों मारा, क्यों उन्हें मारने की आवश्यकता पड़ी? अगले दिन मैंने संतोष के खिलाफ सबूत पक्का करने के लिए मैंने अश्ली को रिश्वत दी ताकि वो संतोष को फंसाने के लिए गुमनाम लेटर लिख सके, लेकिन हमारी ये सारी बातें किम ने सुन ली। मैंने किम को मुंह बंद करने के लिए उसे अपने स्पा और हेयर सैलून में 5 साल तक की फ्री ट्रीटमेंट देने का वादा भी किया, लेकिन किम ने संतोष के प्यार में आकर उसने अदालत में अपना सारा बयान बदल दिया। तो मैंने सबसे पहले किम को मारा उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन से। समझा नहीं, एश्ली तो आप ही के कहे पर चल रहा। लेकिन कब तक, कलों को उसने भी अपना इरादा बदला तो? इसलिए मैंने उसे भी इस तरह घेरा कि वो उस कमरे में जाके छिपे। प्रफुल्ल को जो मिस्टर शेट्टी की अंगूठी मिली उसे मैंने एक दिन पहले ही मिस्टर शेट्टी से किसी बहाने से बोरो कर लिया था और मैंने संतोष के पॉकेट में रख दी थी। फिर आपने संतोष के वहां से जाने के बाद उसी बाथरूम का द्वार बंद किया, उस पर ताला लगाया ताकि पुलिस को लगे कि संतोष झूठ बोल रहा था। Here today, gone tomorrow. The defense rests, Your Honor. यह अदालत मिस्टर विक्रम शेट्टी, कीम कपूर और एशली फर्नांडिस के कत्ल के जुर्म में मिस्टर अमजद शेख को दोषी पाते हुए उन्हें ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर संतोष सातस्कर को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज
closed. Congratulations. Thank you, sir. Thank you ki koi baat nahi. Ye to mera kartavya hai. It's my duty. Daitva hai mera. Mishakir ji, kismat ke baad dhani ho. अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे मिल गया होता तो ये केस एनीवे बेटर लेट देन नेवर। अवत्रमाणी जी, हो सकता है कि वो चुंबक मेरी ओर आकर्षित हुआ क्योंकि मेरी बातों में लोहा ज्यादा है। जस्ट अ थॉट, आई माइट बी राइट और आई माइट बी। आई विश बेटर लक फॉर मी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.